नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लुमियन 9 के अंदर इंटीरियर लाइटिंग किस तरह से करते हैं। हमारे पास जो सीन है वो 3ds Max में है। 3ds Max में से किस तरह से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और किस तरह से हम इसको लुमियन 9 में इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद किस तरह से टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आपको नए से नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके आपके नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3ds Max का सीन हमने ओपन कर रखा है। इसमें क्या करना है, अपने को शिफ्ट जी प्रेस करना है जिससे कि हमारे जो भी ज्योमेट्री, मतलब शिफ्ट जी जी में मतलब ज्योमेट्री ज्योमेट्री अपनी हट गई है। यहाँ से मैंने जाकर एक बार लाइट सेलेक्ट की और सभी लाइट्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक तो अनग्रुप करवा दूंगा, क्योंकि कुछ लाइट्स यहाँ पे ये जो लगी हुई हैं ये मॉडल के साथ ग्रुप है, तो मैंने सभी को सेलेक्ट करके अनग्रुप करवा दिया वापस से एक बार सेलेक्ट करके। ओके ठीक है, अब मैं जो भी लाइट मैंने सेलेक्ट कर रखी है उनको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया यहाँ से। इसके बाद में मैं कैमरा में गया और यहाँ पे ये कैमरा है, कैमरे को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं वापस से कंट्रोल और शिफ्ट जी प्रेस किया, अपनी ज्योमेट्री वापस से अपने पास आ चुकी है। इसमें वापस से हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में गए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इधर का मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ तो ये अपना क्या है, बैकल ऑन है। कैसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे बैकल बैक फेस कल जो है ये ऑन और ऑफ़ रहता है। मैं इसको ऑन करवा के एक बार ऑफ़ करवा दिया, तो ये देखिए आपके पास में ये सारा का सारा इस तरह से आ गया। पहले जैसे हम ऊपर नीचे कर रहे थे तो ट्रांसपेरेंट हो रहा था या आर पार दिख रहा था। तो ज़रूरी ये होता है कि जब भी आप 3ds Max में कोई भी फेसेस वगैरह को लुमियन वगैरह में लेके जा रहे हो, लुमियन 8, 10 जो भी आपके पास है, ट्विन मोशन है जो अपने अनरियल इंजन वगैरह है, तो उसमें खास तौर पे आप उसको मैश को दोनों तरफ के फेस में रख कर, या जैसे कि हमारे पास ये मैश है तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ से शेल करवा देना है। इससे क्या होगा, देखिए मैंने 1 इंच का, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कर दिया, इसको ये कर दिया इनर फेस आउटर फेस, ये आउटर में मैंने कर दिया, ये देखिए, तो इसको एक काफ़ी है 1 सेंटीमीटर, और इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली मैंने कर दिया। इसके बाद में अगर हमारे कोई और चीज़ें हैं जो कि आ रही हैं तो उनको देख लेंगे। बाकी अनहाइड ऑल, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया सभी को, और उससे पहले हम इसका ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने से पहले क्या करना है, मटेरियल को चेंज करना है। यहाँ पे वीरे का मटेरियल है इसके अंदर लगा हुआ अपने सीन के अंदर, तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट में गया, रन स्क्रिप्ट, रन स्क्रिप्ट में मेरे पास यहाँ पे है कन्वर्टर V1.24, ये वाली मैंने स्क्रिप्ट मटेरियल कन्वर्टर ये मैंने यूज़ किया। यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट स्कैन लाइन, मतलब जो हमारा लुमियन है वो स्कैन लाइन में चलता है, तो हमने इसको स्कैन लाइन और यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आपके आप ग्रुप बनाओगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए अनग्रुप रखो उसको पहले, और उसके बाद में ही आप पहले इसको मटेरियल को कन्वर्ट करवा लो। ये एक लॉक विंडो आएगी, इसको नो कर दो यहाँ से और इसको क्लोज़ कर दो। आपका ये सारा मटेरियल जो भी है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद में कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रुप बना दिया। जैसे कि मेरे को मैंने 001 और 46, ये एवर मोशन की सीन है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, और यहाँ पर ये सीन है ये वाला, तो मैंने यहाँ पर कॉपी पाथ कॉपी करवाया और यहाँ से पेस्ट 001046, सॉरी 046, ओके एक्सपोर्ट, ओके कर दिया। ये एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। लुमियन जब भी आप यूज़ करते हो तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका होता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा होगा आप उतना ही अच्छा रिजल्ट फास्ट और बेटर तरीके से दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो आप लाइटिंग करोगे वो अच्छे ग्राफिक कार्ड पे निकलेगी, नहीं, उस पर भी निकलेगी, बट अच्छा मतलब हैवी ग्राफिक कार्ड जल्दी रेंडर करके देगा, काफ़ी बड़ा सीन हैवी फाइल्स वगैरह को भी जल्दी से जल्दी कैच कर लेगा, उनको बढ़िया रेंडर करके दे देगा। अब हम गए लुमियन के अंदर, लुमियन में
हमने यहाँ पे इंपोर्ट और मैंने पाथ को पेस्ट करवाया यहाँ पे। ये मेरे पास ये फाइल जो हमने एक्सपोर्ट की थी 3ds Max के अंदर से FBX में, तो ये अपने पास आ गई। मैंने इसको यहाँ पे ओपन करवा लिया। ओपन करवाने के बाद मैंने ये यहाँ पे ओपन करवाया मेन डिफॉल्ट, ठीक है, ओके करवा दिया यहाँ से। ओके करवाने के बाद ये इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट होने में हो सकता है इसको थोड़ा टाइम लग जाए, 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जो भी है सीन के ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना हैवी सीन है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से ये अपना इम्पोर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, इसके बाद मैं इम्पोर्ट होने के बाद इसको ऑन करते हैं। मेरी ये फ़ाइल इम्पोर्ट होने में इसको कम से कम 10 मिनट लग गए, काफ़ी हैवी थी। ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है, मैंने यहाँ पे क्लिक करवा दिया, ये अपने आ चुकी है। इसके बाद मैं मूव टूल पे गया यहाँ पे और इसको ऊपर की तरफ किया इस तरह से, ये हमारा सीन आ चुका है। और बाहर की तरफ जैसे कि ये यहाँ पे विंडोज़ वगैरह सारी, ये तो अब हम टेक्सचरिंग की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले टेक्सचरिंग हम इसमें करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और विंडो का जो ग्लास है उसको विंडो ग्लास बना देंगे यहाँ से, प्योर ग्लास के ऊपर क्लिक करके ये अपना बन चुका है। इसके बाद में जो हमारे एक बार फ़ोटो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे टेक्सचर जो है इसका इस तरह का है, तो हम इसमें भी जो टेक्सचर वगैरह यूज़ करेंगे वो यहाँ से आउटडोर मेटल और जैसे ये वाले हैं इस तरह के कुछ, ये है लाइक दिस वन, यहाँ से लगा दिया। और अब हम बात करते हैं जैसे इसकी फ्लोर की, कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे हमने फ्लोर सेलेक्ट किया और मैं कस्टम में गया। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर मैप्स और मैप्स फ्लोर लेदर पंप, इसमें होगा फ्लोर का मैं ना यहाँ से मैंने ऑल किए और ये फ्लोर हमने ले लिया। यहाँ पे आया नहीं, शायद हो सकता है हैवी लग रहा है इसको शायद। ओके यहाँ से कलर वगैरह ये मैंने किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिलीफ मैंने कम कर दिया जो क्या इसका बम्प वगैरह जो यूज़ होता है उसको। और ये सीन काफ़ी टाइम लेगा टेक्सचर वगैरह करने में, ये किया। इसके बाद में इनका डार्क वुड है यहाँ पे हमने क्लिक किया और वुड मैंने जैसे कि ये वाली वुड ले ली और इसको हमने डार्क, इसी को डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं वरना हम डार्क टेक्सचर भी ले लेंगे, पर मैंने इसी को वुड को डार्क कर दी। यहाँ पे और जो टेक्सचर हैं जैसे कि ये ग्लास का है तो हमने इसको यहाँ पे इंडोर और ये इस तरह का ग्लास है हमने ये बना दिया। इसके बाद में ये टेक्सचर ये मार्बल टाइप का है जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने ये लगा कर ये रिफ्लेक्शन बढ़ा दिया इसका। यहाँ पे जो स्टील के ये क्रोम स्टील के हैं यहाँ पर, तो इनको हमने सेलेक्ट किया ये हमने लगाया और किया। इसकी जगह हम मेटल लीफ रिफ्लेक्शन बढ़ा दिया या यहाँ से
हमने क्रोम ही दे दिया, लिफ कम किया। क्रोम के बाद में हैंडल वगैरह है, ये भी हमने यहाँ से क्रोम में ही दिए। इसको हमने यहाँ पे ग्लास, एडवांस ग्लास, प्योर ग्लास कर दिया, प्योर ग्लास। अंदर की तरफ इसमें देख लेंगे एक बार अलग से जो भी होगा। हम यहाँ पे बल्ब के अंदर गए, जो थोड़ा ये दिक्कत आ जाती है कई बार इन सीन में ऐसे। ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे और इसको कर दिया हमने ये, इस वाले को सेलेक्ट किया। और यहाँ पर जाने के बाद हमने ये वाला टेक्सचर इसमें अप्लाई कर दिया। इस वाले में भी हमने इस तरह का ही ये वाला ही टेक्सचर अप्लाई कर दिया ब्लॉक के अंदर। और जो इसके बाद ये जो है इसको हमने यहाँ से ये कर दिया, इस वाले को भी हमने यहाँ से ये कर दिया। इतना हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से ओके किया। एक बार मैं फाइल को सेव करवा दूँगा 001 9, ताकि आगे की कोई कुछ चीज़ों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से अब टेक्सचर जो हैं ये वाले, इनको हम देते हैं सेव होने दीजिए। दीवारें हैं अपनी नॉर्मल हैं, जो जो टेक्सचर आ रहा है उसको देख लेंगे, बाकी जो नहीं आ रहा उसको हम लगा देंगे। ऊपर वाले जो छत है ये भी डार्क है, वुड है या यूविया, यहाँ से इनको सेलेक्ट किया। और अपने पास मेटल ये वाला इसमें यूज़ किया, कई बार ऐसे टाइम ले लेता है क्योंकि हैवी सीन है इसलिए। इसके बाद ये वाला मेटल में है, ये वाला हम यूज़ करते हैं। अगर देखिए ये प्रॉब्लम रहेगी हैंग वगैरह की, क्योंकि सीन काफ़ी हैवी है और मेरा सिस्टम पुराना है, i7 है पर पुराना है 5 साल, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो करता है। ये वाला जो है इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसका मटेरियल हम इंपोर्ट करवा लेंगे बाहर से, जो कि इसका यहाँ पे दे रखा है इसी तरह का, उसमें होगा मैप्स के अंदर। तो यहाँ पे गए और मैप में सीलिंग कलर ये रहा, ये हमने लिया। यहाँ से रिलीफ को हमने कम किया और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस कम, रिफ्लेक्शन थोड़ा कम। इसको बम्प हमने यहाँ पे बम्प हम इसको करवा लिया और ये रिलीफ हमने और कम कर दिया थोड़ा सा। इसके बाद ये हो गया, ये वाला सेलेक्ट किया, इसको हम जैसा वैसा ही दे देंगे। बस यहाँ से बम्प, रिलीफ कम, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस कम। इसके बाद ये फ्रेम्स हैं, इनको भी हम इसी के साथ में यहाँ पे गए और
कॉपी टेक्सचर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहो तो वैसे कर लो, या फिर हमने जो इसमें ये वाला टेक्सचर लगाया था इसी को हमने अप्लाई करके यहाँ पे बस पेस्ट करना है ताकि वो ही लग जाए। लेकिन सेटिंग्स जो है उसकी कितना हमने इसको ये किया था नाम वगैरह सारी चीज़ें उसी के जैसे आ जाएंगे। अंदर वाले को भी यही करना है, अंदर वाले का भी हमने यहाँ पे गए और ये किया करने के बाद इसको भी हम टाइम काफ़ी दे रहा है ये चीज़ नहीं हुआ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे हुआ ये हुआ, इनको भी हम कर देंगे। यहाँ पे ये सोफ़ा वगैरह जो है ये भी ये ग्रे कलर में है, हमने ये वाला ग्रे टेक्सचर हमने इसमें भी यूज कर लिया। ओके एंड ये वुड है, यहाँ पे गए हमने हमारे कोई भी वुड का टेक्सचर इसमें ले लेंगे। को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और ये वाला सेलेक्ट की वॉल और ऑलरेडी टेक्सचर है, बस इसको इसके साथ लगाना है। तो ये वाला टेक्सचर इसको थोड़ा सा स्केल कर दिया। ओके ये बेसिक हमारा, यहाँ पे इनको वाइट है, काफ़ी स्लो इसलिए जा रहा है क्योंकि सिस्टम की वजह से, इसलिए इसमें ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर रैम अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास 16 GB रैम है और Core i7 फोर्थ जनरेशन प्रोसेसर है, तो उसी वजह से थोड़ा सा क्या पुराना प्रोसेसर है तो उसी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा स्लो जा रहा है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं यार बताओ, ये यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ब्लैक किया था, ये इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे कलर और ये कलर लिया ब्लैक किया। ये किया और इसका ग्लॉसिनेस रिफ्लेक्शन कम कर दिया, इसी को हमने कॉपी किया इस वाले में और ये वाला इसमें भी हमने ये वाला ये कर दिया। यहाँ से ये ग्लास है, इसको ग्लास बना दिया। बाकी जो ये टेक्सचर हैं ये हम लगाएंगे बट थोड़े टाइम में, मेन मेन मटेरियल है उनको हम पहले लगा लेंगे, जैसे कि
ये वाले हो गया। इस तरह का है आई थिंक दिस वन मेटल कॉपर यहाँ पे हमने ये लगा दिया। इसी तरह से पहले सबसे पहले टेक्सचर वगैरह हम इसके कर लेंगे, करने के बाद हम लाइटिंग वगैरह इस पर जाएंगे तो वो फिर उसके बाद करेंगे। जैसे जैसे अभी हमने ये मेन मेन जो टेक्सचर्स हैं वो यूज़ कर लिए हैं, इसके बाद हम यहाँ पे ओके किया। एक बार हम वापस से फाइल को ओवरराइट करवा देते हैं, सेव एज करवा देते हैं ओवरराइट, और सेव होने में ये काफ़ी टाइम लेगा। यहाँ से फाइल सेव हो गई, मैं कैमरे में जाता हूँ, यहाँ पे पिक्चर्स में कैप्चर, ताकि हम सबसे पहले लाइटिंग सेट कर लें। यहाँ पे मैंने ये सेट किया, हमारा जो सीन है कुछ इस तरह से सेट है। बाद में हम इसको क्रॉप वगैरह जो भी करना होगा, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक, दोनों पे क्लिक कर दिया ताकि एग्जैक्ट हमारा जो हाइट मैप है वो आ जाए। और यहाँ से मैंने 28 फोकल लेंथ ली, और यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, मैंने यहाँ पर सीन यहाँ पे ये मैंने कैमरा लगा लिया। इसके बाद में इफेक्ट्स में जाता हूँ। सबसे पहले मैंने सन यूज़ किया और मैंने ये भी बढ़ा दी। मैं यहाँ से इसकी जो क्वालिटी वगैरह है मैंने ये बढ़ा दी ताकि मुझे एक्सेक्ट पता चलता रहे। देखिए यहाँ पे मैंने ये किया है, और इधर से ये दीवार के ट्रांसपेरेंट हो रही है बिकॉज हमने इसको क्या है यहाँ से शेल नहीं किया था। तो क्या करना है, यहाँ पे मैं मैक्स में गया और इस वाली वॉल को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने शेल कर दिया। ठीक है, शेल करने के बाद ऑटो स्मूथ स्ट्रेंथन कॉर्नर राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, और यहाँ से क्लोज मॉडल को, और वापस से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तब तक हम जो बाकी का काम है इस पर वो फ्री कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये किया, यहाँ से ये किया, और इतना फोकस सिर्फ कम आ रहा है तो बस ये किया। लाइट हमने बंद कर दी, बैक गए, और शैडो कलरिंग हमने ये कर दी, ब्राइटनेस हमने बढ़ा दिया, हमने शैडो ठीक है यहाँ पे दोनों ऑन कर दिए, और इंटीरियर ये मैंने इतना रखा, हमने शैडो मैंने बस ठीक है। ये हमारी शार्पनेस वगैरह के लिए होता है, शेडो शार्पनेस वगैरह के लिए यहाँ पे हमने कर दिया। रिफ्लेक्शन लू पे मैंने करके सबसे पहले रिफ्लेक्शन ये वाला, दूसरा ये वाला, एंड छत का ऑल्सो ये
मेन जो थे वो हमने ले लिए। फ्लक्शन ऑन हाई पे, मैं लो पे रखूँगा जब मैं फाइनल एंटर करूँगा तब हम इसको हाई पे ले लेंगे। यहाँ पे स्काई लाइट है, मैंने इसको बढ़ा दी और कॉन कर दिया, इसको थोड़ा कम कर दिया 0.6। ओके, अल्ट्रा रेंडरिंग में इस पर अभी नॉर्मल पे रखूँगा, बाद में फाइनल जब करेंगे तब उसको कर लेंगे। और ये यहाँ से मैंने सिर्फ ये 36:40 बस, ग्लोबल रिड्यूस वगैरह एवरीथिंग इज़ गुड। बस यहाँ से जी आए हमने 2-3 बस ये कर दी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक्सपोजर, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, लेंस फ्लेयर्स, कितना हमको ब्लूम वगैरह कितना क्या सीन के अंदर अपने को चाहिए। ये हमने किया और बाकी जो इफेक्ट्स हैं हम यूज़ कर लेंगे यहाँ से। ये किया क्लाइन, इससे से कुछ नहीं लेना। कलर करेक्शन 1-2, ये किया कंट्रास्ट बढ़ा दिया, ब्राइटनेस ये कर दिया, बाकी देख लेंगे एक बार। एनालॉग कलर 7-8, ये किया शार्पनेस 4, ब्लूम इफेक्ट ये दे दिया, और ब्लीच ये यहाँ पे ये हमने कर दिया है। और ब्लीच ब्लूम शार्पनेस एनालॉग कलर, कलर करेक्शन 1, ये हमने किया 8, ये किया। और यहाँ से रेंडर चेक करते हैं 0-1 जेपैक, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये आ रही है हमारे जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है तो यहाँ से वो हुआ नहीं, तो ये देखिए हमने वापस इसको एक्सपोर्ट किया था, हम इसको बाद में देख लेंगे। इसमें टेक्सचर भी है, देखिए यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है और कहीं से नहीं हो रहा, ये देखिए वहीं से हो रहा है ये वाला ही, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। इसीलिए हमने इसको हमने शेल करवाया था, अब उसको भी शेल करवा के हम इसमें इम्पोर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे शेडोज़ वगैरह ये आ रही है सन की, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और वापस से मॉडल को री इम्पोर्ट कर लेंगे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैंने यहाँ से वापस से री इम्पोर्ट कर लिया, इस पर टाइम लगेगा जितना कि पहले लगा था इस मॉडल को इम्पोर्ट करने में, उस थोड़ा सा उससे कम लगेगा पर टाइम लगेगा, तो देखते हैं एक बार। यहाँ पे ये हमने इसको री इम्पोर्ट करवा लिया, काफ़ी टाइम लग गया 5-6 मिनट इसमें भी हमने करवाने के बाद। इसमें जो भी हम टेक्सचर वगैरह यूज़ करेंगे हमारी, इसमें बस वाइट कलर का एक टेक्सचर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इंटीरियर प्लास्टर वगैरह में हमने यूज़ कर लिया ये वाला और इसको स्केल कर दिया, यहाँ से ग्लॉसिनेस रिफ्लेक्शन वाइट कर दिया ऐसा। ओके जी, करने के बाद यहाँ सामने ये रह गया, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें रह गई पर ये थोड़ा बड़ा है तो ये दिख रहा है, इसलिए हम इसको ओके करवा दिया बाकी चीज़ें। अब ये हमने जो रेंडर किया है उसका आउटपुट ये आया है और हमारा मेन जो आउटपुट है इस तरह का है। तो इसी तरह की चीज़ करने के लिए अभी हम इसमें बहुत सारा वर्किंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे गए रेंडरिंग में और सबसे पहले तो हमने ये 1 किया यहाँ पे और ये 0, ब्राइटनेस यहाँ पे कम की
कंट्रास्ट थोड़ा सा कम किया बैठते, और बच जाने के बाद एक्सपोजर ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। स्काई लाइट थोड़ी सी बढ़ा दी, रिफ्लेक्शन हाई कर दिया, ये सब कुछ सही है। थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, और अब हम यहाँ से लाइट, मैंने सेकंड लेयर पे यहाँ पे लाइट में गया, और हम यहाँ पे लाइट रेक्टेंगल एरिया लाइट जो है वो यूज़ करेंगे एज ए पोर्टल लाइट, जैसे कि हम वीरे में यूज़ करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे 0.92 को डबल बार यहाँ पे क्लिक किए हम माउस से, तो रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद उसको आप एडिट कर सकते हैं। ये करने के बाद ये हमने इसको थोड़ा सा फाइल ऑफ बढ़ा दिया, ओके। इसी को शिप के साथ कॉपी किया और यहाँ पे हमने मूव करवाया। साइज इसका बढ़ा दिया, इधर भी है बड़े साइज का ये वाला विंडो, तो इसमें भी हमने यहाँ पर और थोड़ा सा ऊपर इस वाले को ब्लू, यहाँ पर ये हमने कर दिया। ब्राइटनेस यहाँ पे 100 के आसपास मैंने किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और 105 इसको, और कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया 105, ओके। रेंडर में गए, यहाँ पे क्लिक किया और जो हमारे ये वाले हैं इसमें ये फोकस करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ से मैंने तीसरी ले ली और मैं इसमें स्पॉटलाइट यूज़ करूँगा, तो स्पॉटलाइट जो अपनी ये वाली जो है बने हुए मैंने इनमें लगा दी सभी में स्पॉटलाइट जो सामने के सामने हैं उनमें, ज़्यादा मैं नहीं लगाऊँगा वरना फिर बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पे हो जाएगी चारों तरफ से, तो जो नीचे नीचे के जो है मेन मेन उनमें मैंने यहाँ पे लगा दी। हाइड आइड ये किया और इसका थोड़ा सा ये कलर हमने यहाँ पे एडिश कर दिया। देखो सबको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मैं क्लिक किया और रिप्लेस सिलेक्शन कर दिया, तो मुझे चाहिए ऐसा कुछ, ये ठीक है, ओके किया, हाई साइज कम किया, ब्राइटनेस डिपेंड करता है आपको किस तरह का चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये रेडिश कर दिया इतना, ओके। इसके बाद यहाँ पे गए, देखिए ये आ चुका है, कुछ ज़्यादा रेडिश हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा रेड हो रहा है वो, तो यहाँ से हमने कम कर लिया, ओके। और ये होने के बाद मिट कर लिया, यहाँ से हमने ये हमने बढ़ा दी, कलरिंग हमने कम कर दी, ब्राइटनेस जो है वो भी वो हमने इतना रखा। एक बार इसको हम हैंडल करके चेक करते हैं,
02 यहाँ पे ये अलग और ये अलग दे रहा है, ब्लूश दे रहा है कि इसमें पोस्ट प्रोडक्शन हो रखा है इसलिए ये सारा है। अगर हम रॉ की बात करें तो ये देखो रॉ ये वाला है, ये इस तरह का। तो मैं ये फोटोशॉप में किया हुआ ये रॉ है इस तरह का। तो हम क्या करते हैं, रॉ के जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो होगा ये बाद में हम देख लेंगे इसको, पहले रॉक की ये ठीक है। यहाँ से ये काफ़ी चीज़ें ऐसे सही आ रही हैं। रॉक ओके फ्लेक्शन, सबसे पहले फ्लेक्शन जो फ्लोर है उसका काफ़ी बढ़ाना होगा हमने को, क्योंकि उसमें ज़्यादा है तो हमने ये बढ़ा दिया। और कलरिंग जो है पूरा फोकस सीधा सही ही जनरेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा जहाँ से। इसमें नहीं आ रहा है, इधर से हमने किया ब्राइटनेस को बढ़ाया, ब्राइटनेस बढ़ाया और जो लेंस फ्लेयर्स हैं हमने कम कर दिया, जूम अमाउंट कम कर दिया, लेंस फ्लेयर भी कम कर दिया। यहाँ से जो दोनों को सिलेक्ट किया 134 के किया और वापस से 03 रेंडर करते हैं। पहले से काफ़ी अच्छा यहाँ पे आउटपुट मेरे को मिला है, पर अभी भी काफ़ी चीज़ों की कमी है यहाँ पे शैडोज वगैरह की। तो हम यहाँ पे ये मैंने ऑन करवा लिया उसमें, ओके यहाँ से हम क्या करेंगे। ये सब करने के बाद मैंने एक को लिया और यहाँ पे एक लाइट हम यूज़ करेंगे स्पॉट लाइट, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाली लाइट लगा दी, इस लाइट को लगाई और ऊपर की तरफ किया यहाँ पर हाई डायनेमिक, और इसको हम रोटेट करते हैं इतना, ऐसे मूव मैंने मूव करवाया और रोटेट ऐसे है तो इतना किया और ब्राइटनेस इसका बढ़ा दिया, रेंज इसकी बढ़ा दी, मूव करवाया पीछे की तरफ यहाँ पे, थोड़ा ऊपर ले लिया और डेट यहाँ से हमने यूज़ किया था ग्लोबल एलिमिनेशन,
सेलेक्ट दिस लाइट, जी आई हमने यहाँ पे बढ़ा दिया 12। एक बार चेक करते हैं क्या आउटपुट हमको इससे मिल रहा है। इसमें हम यहीं से चेक कर लेंगे क्योंकि सन कहाँ से आ रहा है वो डिपेंड करता है। और एक सेकेंड, यहाँ से भी 2 पॉइंट परस्पेक्टिव मैंने ऑफ किया, यहाँ पे मैं आया और लाइट को सेलेक्ट की कि लाइट अलग आ रही है, सन अलग जा रहा है। ओके ये किया और यहाँ से जो सन था, सन की लाइट हमने कम कर दी। और रेंडर 0.5 शैडो नहीं आ रही है सन की या किसी चीज़ की। ऐसे तो यहाँ पे जो टैपतानी थी, जो यहाँ पे शेडोज़ वगैरह इसकी जनरेट करवानी थी, वो इससे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सन का ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया और सन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे सेट कर दी। थोड़ा सा यहाँ तक है वो, इतनी ही करनी रहेगी। तो क्या करते हैं, सेलेक्ट लाइट एंड रोटेट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाएगा। ओके ठीक है, एक करने के बाद वापस से जाते हैं। ये देखिए अब ये चीज़ नहीं आ रही रेंडर। ओके अब ये काफ़ी सही आया, यहाँ पे थोड़ी सी शेडो बन रही है, पहले नहीं आ रही थी, अब थोड़ी बहुत आ रही है। बाकी चीज़ ठीक है, ऐसा शेडोज़ का काफ़ी प्रॉब्लम है। और ब्लीच बढ़ाया, ब्लू अमाउंट कम किया, शार्पनेस बढ़ा दी। और जो था थोड़ा सा कलर करेक्शन, ब्राइटनेस कम किया, यहाँ पे 0 कर दिया, 1 0 गामा 1.1। इसके बाद शैडो है, शैडो ओमनी शैडो
हमने यहाँ पे ली इंटीरियर का, हमने इंटीरियर एक्सटीरियर में हमने इंटीरियर कर दिया, कलरिंग बढ़ा दी मैंने, ये कम कर दी, ब्राइटनेस हमने इसको कम कर दिया थोड़ा सा, और 06 ये रेंडर करते हैं। ओके काफ़ी अच्छा यहाँ से आ रहा है ये, थोड़ा सा इसको हमने नीचे किया। अब शैडो अल्ट्रा शैडो ये कर दी, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया इतना सा, और स्काई लाइट जो अल्ट्रा मैंने किया, अल्ट्रा करने के बाद सन सन की मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, ये सिर्फ इतने ही रखूँगा 1। ओके एंड और राइट जो ब्लूइश इफेक्ट आ रहा है इसको हटाने के लिए हम यहाँ से दो चीज़ करेंगे, एक तो कलर करेक्शन में जाकर कलर करेक्शन में गए और यहाँ से ब्लूइश हटाया, दूसरा जो लाइट है ये वाली। ओके ये ठीक है ये कि यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसमें हम टेक्सचर में हम यहाँ पे फोर वगैरह यूज़ कर लेंगे, मैंने इसमें फोर यूज़ किया। फूड ये वाली ओके करने के बाद मैं इसमें गया, यहाँ से सेलेक्ट लाइट ये वाली वन पॉइंट एट किया और यहाँ से इनको जो क्लब्स हैं ये हम इनको स्टैंडर्ड ये कर लेंगे ताकि लगे कि यहाँ पे ब्लक लगे हुए हैं, लेकिन उससे पता नहीं चल रहा, तो हमने ये लगा दिए, रेंडर करते हैं क्या, उसके बाद अगर ये सही है तो हम नेक्स्ट हमारा फाइनल रेंडर करते हैं। ये यहाँ से लाइट काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो रही है, जो कि हमने लाइट लगाई थी सन की वजह से नहीं है, सिर्फ लाइट की वजह से है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से
लाइट को हटा ही देते हैं, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है इससे। तो मैंने यहाँ से उस लाइट को ऑफ कर दिया। ओके एंटर अगेन नंबर। काफ़ी अच्छा ये रेंडर अपना आ चुका है। अब इसमें पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह जो भी हम साथ में एलिमेंट वगैरह रेंडर करेंगे उनको 3ds Max में, उसमें हमारे फोटोशॉप वगैरह में ले जाकर हम उनको सही कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ से इनमें GI ऐड करवा दिया। GI ऐड करवाने के बाद रिफ्लेक्शन हाई और शैडो ओके है, शार्पनेस इज ओके, स्काईलाइट अल्ट्रा एक बार वापस इसको चेक कर लेते हैं, फिर फाइनल रेंडर हम इसका निकाल लेंगे ताकि सिमिलर सी लाइट उसके जैसे बन सके। अब काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें आ रहा है। अब जैसे कि ये थोड़े से डार्क अगर आ रहे हैं तो इसको थोड़ा लाइट कर लेंगे। का फाइनल रेंडर करते हैं। बस ये दो तीन टेक्सचर जो हैं इनको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करवा कर और हम इसका फाइनल रेंडर वगैरह निकालेंगे, फिर इसका प्रोडक्शन करते हैं कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्शन ग्लॉसीनेस कम किया, ठीक है ओके। यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया और रिफ्लेक्शन मैप, लाइट मैप, मटेरियल आईडी हमको चाहिए नहीं, प्रिंट फोल्डर के साइज में मैंने इसको प्रिंट किया। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं ब्लेंडर 0.01 के नाम से, TGM में मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखते हैं एक बार रेंडर के बाद में कितना इसमें टाइम लगता है। i7 16 GB रैम, RTX 2080 8 GB कॉन्फ़िगरेशन के साथ में 7 मिनट के अंदर ये 4K साइज़ का रेंडर इसमें कंप्लीट निकाल देगा। उसके बाद देखते हैं ओके। टोटल 8 मिनट 10 सेकंड में ये अपना कंप्लीट रेंडर हो चुका है। हमने यहाँ से ये पाथ कॉपी करवाया और फोटोशॉप ओपन किया पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे फाइल में गए, फाइल में स्क्रिप्ट लोड फाइल इनटू स्टक ब्राउज फाइल, मैंने 3 जो है ओपन करवा लिए। इस वाले को नीचे किया और लाइटिंग को फिर बाद में स्पेकुलर को एक बार हटा दिया। यहाँ से हम ओवरले सॉफ्ट लाइट, ओवरले सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट लाइट देखिए ये हमारा लाइटिंग का जो है ये लाइट वगैरह यहाँ से थोड़ा सा डार्क आ रहा था, ये अपना मेन सीन, तो इसको थोड़ा सा इसे लाइट किया है यहाँ से हर एक जगह से जहाँ से आना चाहिए।
मैंने इसका विजिबिलिटी 50%, 70% ये कर दी। और अगर जहाँ कहीं से हटाना है हमको रिफ्लेक्शन वगैरह, तो हम यहाँ पे मास्क यूज़ करेंगे, और मास्क पे इरेज़ टूल मैंने साइज़ बढ़ा लिया, और यहाँ से फ्लो कैपेसिटी मैंने 50% इसको थोड़ा कम किया, और यहाँ से मैं हटा लूँगा। देखिए जहाँ जहाँ से आपको हटाना है वहाँ से आप हटा लीजिए, ठीक है, ये सही है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पेक्युलर की। स्पेक्युलर को हमने लाइटन और स्क्रीन दोनों में से लाइट और स्क्रीन हमने स्क्रीन किया। देखिए जहाँ जहाँ का हमको मेन रिफ्लेक्शन चाहिए स्पेक्युलर का, वो यहाँ पे आ रहा है। हमने इसका थोड़ी सी ऑपोसिटी कम कर ली बस, बाकी सही है। मैंने सभी को कंट्रोल शिफ्ट ई के साथ में मर्ज कर दिया, और यहाँ से फिल्टर में गया। फिल्टर में यहाँ पे है कैमरा रॉ फिल्टर, और कैमरा रॉ फिल्टर में यहाँ पे ऑटो पे मैंने क्लिक किया। देखिए जी चुके हैं, तो वापस मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। लाइट अगर हमको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैंने ये कम किया, कंट्रास्ट बढ़ाया यहाँ पर, हाई लाइट्स कम किया, थोड़ी लाइट बढ़ा दी, शैडो ये वाइट जो है तो मैंने देना है या नहीं देना ये आपके ऊपर है। मैंने इसको कम कर दिया, और ब्लैकिश जो भी ब्लैक चीज़ है अपनी वो डार्क करनी है या नहीं करनी वो हमने यहाँ से सेट किया। टेक्सचर मैप देखिए, टेक्सचर इस तरह से ही थोड़ा सा ब्लर होगा। मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया लगभग इतना, क्लियरिटी इससे भी ब्लर होगी, और ये थोड़ा सा शार्प आ जाएगा यहाँ से। टी हैज ये, अगर मैं इसको ये करूँगा तो लाइट हो जाएगा, इधर करूँगा तो डार्क हो जाएगा। मुझे ये थोड़ा सा डार्क चाहिए, यहाँ से मैंने ये किया। ये अपना टेम्परेचर है, मैंने टेम्परेचर चेंज किया हल्का सा, ये टिंट मैंने 0 रखा बस। यहाँ से शार्पनेस बढ़ा दूंगा, ओके। ठीक है, यहाँ से हाईलाइट हाईलाइट की कंट्रास्ट यस ठीक है, लाइट को मैं यहाँ पे हाईलाइट को यहाँ तक, ओके। शैडोज़ वो चाहिए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये मैंने ओके किया, ये हमारा रेंडर आ गया। मैं इसको क्रॉप यहाँ से तक, इसको यहाँ तक कट किया, और सेव इज रेंडर 001 जेपेग साइज क्वालिटी ओके। ये हमारा रेंडर सेव हो गया, ये देखिए। अब इसको और लाइट करना है जिस तरह से ये है आप कर सकते हैं, या फिर इसमें और इफेक्ट।